जैसे बॉडी को बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज होती है, कुछ वैसे ही देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अहम रोल होता है, क्योंकि इस समिट में दुनिया भर के निवेशकों का जमावड़ा लगता है जो अपने अपने स्तर पर देश में बड़ी कंपनियां लगाकर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रोजगार के साथ साथ इकोनॉमी भी मजबूत होती है। ये आयोजन राज्य सरकारें अपनी अपनी रणनीति के तहत ऑर्गेनाइज करती हैं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। इसमें करीब 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई मंत्री इस समिट में आए हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मानसी, आप हैं मंच पर। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के तहत समिट का आयोजन किया गया है और इसमें निवेश MOU 25 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मीरा रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 देशों की 304 कंपनियां 27 लाख करोड़ का निवेश कर रही हैं, ऐसा दावा किया गया है। देखा जाए तो जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार बनने के बाद फरवरी 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई थी। अब तक 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। इसके जरिए 2,09,218 करोड़ का प्रपोजल आया है। इसके अलावा लगभग 7,96,312 लोगों को रोजगार भी मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 29 जुलाई 2018 को पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें निवेश हुआ 61,792 करोड़ और रोजगार मिला 2 लाख से ज्यादा। 28 जुलाई 2019 को दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें निवेश हुआ 67,202 करोड़ और रोजगार आया 2.6 लाख से ज्यादा। 3 जून 2022 को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें निवेश हुआ 80,224 करोड़ और रोजगार 5 लाख से ज्यादा। देखा जाए तो पिछली सरकारों में कभी यूपी में इतने बड़े स्तर पर इन्वेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब से योगी सरकार आई तब से यूपी में इन्वेस्ट भी बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। देश विदेश के निवेशकों का दिख रहा ये उत्साह सीएम योगी के उठाए गए 7 बड़े फैसलों का नतीजा है, जिसके चलते यूपी में निवेश यानी इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है। अब कौन से हैं ये 7 फैसले, आइए वो जानते हैं। पहला फैसला, अननेसेसरी नियमों को खत्म किया। सीएम योगी ने सबसे पहले उन बरसों पुराने नियमों कानूनों को खत्म किया जो सरकारी ऑफिसर्स की अनावश्यक दौड़ का सबब बने हुए थे और उनका कोई यूज ज्यादा नहीं था। योगी सरकार पे 3,777 से ज्यादा कानून, अधिनियम, आदेश खत्म कर इस साल 28 जनवरी तक खत्म किए गए। इन्वेस्टर्स की सहूलियतों के लिए निवेश मित्र, निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया। निवेश मित्र पोर्टल पर 28 जनवरी तक 9.3 लाख निवेश परियोजनाओं के लिए NOC जारी की। दूसरा फैसला, निवेश के लिए फ्रेंडली माहौल। योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए, जिसका असर दिखा और इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटा। तीसरा फैसला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा। नए एयरपोर्ट निर्माण अभियान से इन्वेस्टर्स को काफी मदद मिली। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को देखते हुए काफी मदद मिली। चौथा फैसला, जमीन की व्यवस्था। यूपी ने उद्योगों को मनचाही लोकेशन पर जमीन दिलाने के लिए सार्वजनिक व निजी दोनों स्तरों पर व्यवस्था करने के लिए नई नीति बनाई। 17,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया, जो निजी जमीन मालिकों को भी उद्योगों के लिए जमीन देने को प्रोत्साहित कर रहा है। पांचवा फैसला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरी रैंक हासिल कर चुके यूपी ने देश के सबसे बड़े सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र को भी विस्तार दिया और कई सुविधाओं से लैस किया। निवेश मित्र पोर्टल पर आकर निवेशक अपनी निवेश परियोजना के लिए आवेदन करने से लेकर सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा कर सकते हैं। निवेश की नई नीतियां निवेश के नए क्षेत्रों पर फोकस करने के साथ 20 नई नीतियां पिछले 6 साल में अलग अलग समय में तैयार की गई। औद्योगिक निवेश के लिए एक अम्ब्रेला नीति को रियायतों व सहूलियतों के साथ लाया गया। विदेशी कंपनियों को यूपी लाने की मुहिम, यूपी ने पहली बार विदेशी कंपनियों को राज्य में निवेश लाने के लिए पहले पार्टनर कंट्री का चयन किया। इसके बाद US, जर्मनी, कनाडा, UAE, UK, सिंगापुर, अर्जेंटीना, मेक्सिको, जापान, द नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस,
दक्षिण कोरिया, स्वीडन, बेल्जियम व ब्राजील के विभिन्न शहरों में टीम यूपी ने रोड शो कर 149 निवेश प्रस्ताव विदेशी कंपनियों से हासिल किए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों में अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाने लगा है, जिसका फायदा भी राज्य सरकारों को मिल रहा है। योगी सरकार के 7 फैसलों ने तो इन्वेस्टर्स को काफी प्रभावित किया है। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत ने। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और इसे शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।